नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड डे है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीजन में। तो हमारे सामने हैं बलवीर जी हरियाणा से। तो ये आपको बताएंगे कि ये कितने बजे आए थे और हरियाणा से ये कैसे कैसे आए थे, ताकि हरियाणा से जो आने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाए कि उनको कैसे आना है, और उनके बाद यहाँ ये कहाँ रुकेंगे, स्टे कहाँ करेंगे, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंदर में कैसे कैसे हुआ, क्या क्या इनका डॉक्यूमेंट लगा, सब कुछ ये आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सुबह 9 बजे आए थे, जिससे यहाँ पर पहले आईडी वगैरह चेक करी थी, रोल नंबर वगैरह। तो यहाँ पे धीरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट की मेडिकल के लिए अच्छी कटवा दी हुई है, और उसके बाद मेडिकल की वेटिंग भी अच्छा। तो आप सबसे पहले ऑफिस अंदर गए, तो सबसे पहले आपका क्या हुआ? सबसे पहले हमारे नेम वाइज बुलाया गया, तो पहले हमारे एडमिट कार्ड चेक करके अंदर बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक के बाद फिर उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाए, डिक्लेरेशन वगैरह जो हैंड राइटिंग थी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक करवाए गए। फिर डॉक्यूमेंट के बाद फिर हमारी मेडिकल पर्ची बनवाई गई, मेडिकल काम पे हुआ। बायोमेट्रिक मैच कर गई थी आपकी? हाँ जी, हाँ। ऐसा कोई बच्चा था जिसकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई थी? हाँ, एक दो था, पर नहीं। कल कुछ बच्चे थे जिनको बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो उनको वापस भेज दिया गया, तो ऐसा कुछ वैसा केस आपको देखने को मिला? नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम तो उनकी बायोमेट्रिक में, पर शायद दोबारा हो गया था। बहुत सारे बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, तो आपके पास भी रिजर्वेशन कैटेगरी थी या आप जनरल कैटेगरी से थे? नहीं, कुछ बच्चे का कहना है कि सर उनका फॉर्मेट अलग है, रेलवे का फॉर्मेट अलग है, तो फॉर्मेट को लेकर के क्या अंदर में वैसा कुछ आपको हिंट्स मिला क्या? मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिशन वाला नहीं? हाँ, मतलब दो तरह का सर्टिफिकेट बनता है हमारे स्टेट में, झारखंड में। एक एडमिशन वाला होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉलेजेस में, और एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमेशा आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बनवाएं, क्योंकि आम जॉब लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो अंदर के लोग कैसे थे, मतलब कोऑपरेटिव थे या क्वालिफिक थे, कैसे थे अंदर के लोग? आप इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? तो आपको एक आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, कि आज उनके बैठने की व्यवस्था नहीं की, कल जो है कि 60 के 60 बच्चों को अंदर बुला लिया गया था, और अभी जो बच्चे कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आने वाले हैं या मतलब किसी अदर जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने वाले हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पर यही है कि ऐसा नहीं है कि वो पहले आएगा या जाएगा, कभी भी आते हैं और आते हैं, सबको मतलब सबको बाहर निकालते हैं मेडिकल के लिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले आएगा वो पहले मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको पहले सबको भेजा जाएगा। नहीं नहीं, वो जो बच्चे कल आने वाले हैं डॉक्यूमेंट वैसे, या तो मतलब जो अदर जोन में जाने वाले हैं, तो उनको अपना तैयारी किस हिसाब से रखना चाहिए? तैयारी तो यही है कि अपने डॉक्यूमेंट जो वो प्रॉपर रखे और अपने टाइम पे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बस यही है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यही है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि और जैसे कि आपका जो एग्जाम हुआ, फॉर्म भरा, फिर आपने एग्जाम दिया, जैसे कि हम लोग भी देख रहे थे कंपटीशन काफी टफ था, 2 करोड़ लगभग फॉर्म भराया, 2 करोड़ में से 60,000 बच्चों का सिलेक्शन ही मात्र होना, क्योंकि 60,000 ही वैकेंसी थी। तो आपका कितना नंबर आया? जो बच्चे अभी फिर से ग्रुप का फॉर्म आया हुआ, 1 लाख वैकेंसी थी, वहाँ भी लगभग 125 करोड़ के आसपास फॉर्म भराया है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, और आपका कितना नंबर आना आया था, और कितना नंबर लाने के लिए उन बच्चों को कैसे मेहनत करना चाहिए? मेरे नंबर आया जो नॉर्मलाइजेशन सबकी होती है, पर जैसे यही है कि अपना प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ही सबसे बढ़िया है, तैयारी तो सबकी होती है।
सबसे बढ़िया है। आपने प्रैक्टिस किया था? हाँ जी। आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए? चार सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस। वैसे तो जनरल अवेयरनेस की बात करनी उतनी कम होती है, ज़्यादातर हमें मैथ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा लेंथी इससे हमें वो कंप्लीट नहीं कर पाते, उनकी वजह से टाइम की प्रॉब्लम होना पहले ऑफलाइन होता था तो हम टाइम कंज्यूम कर सकते पर ऑनलाइन हम कंज्यूम नहीं कर सकते टाइम, तो इसी कारण हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी थी मैथ की, तो जिससे कंज्यूम होगा और मैथ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। रेलवे का आपको ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा लगा, मतलब फॉर्म भरवाते समय जो उनका व्यवस्था था वेबसाइट का, और जो अब CBT 1 का जो आपने एग्जाम दिया था वहाँ पे जो रेलवे का अरेंजमेंट था, और अभी आप यहाँ पे आए डीवी के लिए, फिर आप जाइएगा मेडिकल के लिए, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, तो इस पूरा प्रोसेस को रेलवे के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? रेलवे ने आपके साथ मतलब कैसा उन्होंने व्यवस्था करके दिया, आपको क्या लगता है कुछ बेहतर इसमें हो सकता था या जो था ये ठीक था? बेहतर तो कुछ नहीं कह सकते कि बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा पहली बार था क्या होता है। वैसे बेहतर तो यही था, अगर दिन के दिन से अप्लाई करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे बड़ी बात है, लेकिन हो सकता था जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक दो घंटे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है, वो करना चाहते थे, तो उसके बाद मेडिकल भी हो सकता है। बाकी सब मेडिकल के लिए तो शायद आप लोगों को 6 के बाद ही बुलाया जाएगा, क्योंकि कल जो बच्चों का मेडिकल था तो उनको आज बुलाया गया था हॉस्पिटल में, जब वो आज हॉस्पिटल पहुंचे तो लगभग 50 बच्चे के आसपास पहुंचे, तो बच्चों को कहा गया कि मंगलवार से आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट होगा और एक दिन में 10 बच्चों को बुलाएंगे, तो सोमवार मंगलवार से लेकर के आप 5 दिन जोड़ोगे तो 2-5-7 दिन मतलब शनिवार तक जो है उन लोगों ने पूरा रिजर्व रखा है उन्हीं लोगों का, तीन लोगों का जो मेडिकल होगा तो जो है सो कि आपका मंगलवार शनिवार या रविवार के बाद होगा, मतलब उसके अगले मंडे को होगा। और कुछ बच्चे अभी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर अगली वीडियो में आप ये बता देना मेडिकल का रिव्यू, तो मेडिकल का रिव्यू अभी दिल्ली में स्टार्ट नहीं हुआ, दिल्ली में रिव्यू स्टार्ट होगा तो मेडिकल का भी रिव्यू मैं आपको दूंगा, उसके लिए परेशान हुआ। तो आप कुछ बच्चे पूछे थे DRM ऑफिस के बारे में, तो DRM ऑफिस यही है जहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रेन रही दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीछे में ही है, वहाँ से भी आ सकते हो, मेट्रो से आओ तो राजीव चौक से भी आ सकते हो, नई दिल्ली मेट्रो से भी आ सकते हो। तो और कुछ फाइनल सजेशन, फाइनल अपना सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? फाइनल सजेशन तो कुछ नहीं है, बस यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर लेके आए, बाकी कोई नहीं, कोऑपरेटिव स्टाफ है सब अच्छे से कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने किस क्वालिफिकेशन तक का मेंशन किया था ग्रेजुएशन, मतलब फॉर्म भरते थे? मैंने डिप्लोमा किया था। तो अभी आपने डिप्लोमा तक का सारा सर्टिफिकेट दिया? डिप्लोमा तक का दिया। कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कहाँ, गवर्नमेंट से किया था या प्राइवेट से किया था? तो वो क्या मांग रहे थे या बोले कि मतलब दो या नहीं तो ऑप्शनल है चलेगा? नहीं, वो कह रहे थे जो उसमें मेंशन किया है चाहिए था, बाकी अगर वो भी है तो आपके पास दे सकते हैं, बाकी जो मेंशन किया है वो मांग रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, मेरा फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मुझे लग रहा था कि मेरा फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आ जाएगा, तो क्या उसके मुझे मर्सी देंगे या कहेंगे कि नहीं तुमको सारा डॉक्यूमेंट लाना ही होगा? नहीं, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो टाइम ले रहे हैं, RRC मेन ब्रांच है वहाँ पे, जब तक मेडिकल चल रहा है जैसे 15-20 दिन चलेगा तब तक अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहे टाइम दे रहे ना, रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहे टाइम दे रहे हैं, रिजेक्ट नहीं है तो किसी को नहीं दे रहे, अगर किसी को ज्यादा अगर किसी के मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट में कुछ दो सर्टिफिकेट मंगवा रखे थे मतलब रिमार्क कर रखा था उसने, रिमार्क कर दिए थे जिसमें ये प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको शायद रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको इतना पता नहीं, जैसे रिमार्क कर दिया था नॉट एलिजिबल मेंशन किया था। तो नॉट एलिजिबल फिर उन्होंने मतलब बताया कि उन्होंने खुद ही चेक, मतलब उस बच्चे ने दोनों सर्टिफिकेट जाकर के क्यों दिखाया? वो तो पता नहीं दिखाया कि वैसे अगर आपका सही है तो आप एक बार दोबारा सही से बनवा के उसका जमा करवा सकते हैं, टाइम दिया है एक दो लड़के को,
प्रधान बने। और आपने पोस्ट में क्या डाला था, आप कौन से पोस्ट पे जॉब करना चाहेंगे आपके सिलेक्शन होने के बाद? पोस्ट पर डिवीजन या पोस्ट? डिवीजन भी और पोस्ट भी। पोस्ट तो 312 कैटेगरी थी जो हमें स्विम फॉर्म में भरी गई थी, तो उनमें से सिलेक्ट किया मैंने। ऐसे मैंने अपने ब्रांच के हिसाब से किया, सिग्नल की किया, एस एन टी की किया। पाँचवीं प्रधान वाला उनके हिसाब से किया, मेरे पाँचवीं प्रधान के हिसाब से। तीन चार वाले तब सेंटर में। चलिए और कुछ सजेशन बच्चों के लिए? सजेशन तो क्या मतलब यही है, अगर किसी को पोस्ट प्रेफरेंस करना है तो पहले से ही सिलेक्ट करके आए, तो हम मतलब बढ़िया किसी से सलाह ले लेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है। बच्चों को दिक्कत होती है कौन सी पोस्ट सिलेक्ट करें, कौन सी कौन सा डिवीजन सिलेक्ट करें, फिर अपने डिवीजन के बारे में और अपने पोस्ट के बारे में पता कर लें जो उनके लिए प्रेफर्ड है, जो सस्ती लगती है, किसी से सलाह ले लें अच्छे आदमी से। तो तो आज कुछ मुझे अंदर में जब मैं कैंटीन गया था रेलवे कैंटीन का, तो वहाँ ग्रुप डी के कुछ स्टाफ थे, वो बोल रहे थे कि जैसे कि जब ये वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, तो वहाँ पे 10th और ITI दोनों रखा गया था, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया तो उसके इसमें ITI को हटा दिया गया। तो चूंकि होता क्या है, काफी क्वालिफिकेशन वाले लड़के सब, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, बीटेक हो गया, डिप्लोमा, ये सब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये इतने पढ़े लिखे होते हैं कि इतना मेहनती नहीं होते हैं, तो फाइनली जो है कि जॉब छोड़ के चले जाते हैं। इस केस में स्टूडेंट को भी नुकसान होता है और उस तरह के स्टूडेंट को भी नुकसान होता है जो कि मेहनत कर सकते थे लेकिन रिटर्न एग्जाम में उतना ज़्यादा नंबर नहीं ला पाए, और रेलवे को भी नुकसान होता है। तो इसके बारे में आपका कोई विचार? कुछ नहीं कह सकते, बाकी यही है ITI वाले में अगर किसी ने अप्रेंटिस करके उनके लिए अलग से उन्होंने पोस्ट दी है, किसी ने अप्रेंटिस किया रेलवे में उनके लिए अलग से दी है, बाकी ITI वाले के काम तो सेम ही है तकरीबन। तो वहाँ यही है कि ITI वाले को थोड़ा रेफरेंस देना भी चाहिए था, तो उनका टेक्निकल था उनको भी देना भी चाहिए था, छोटी है ये सब जिसको मौका मिल गया ठीक है, क्या पास नहीं कह सकते। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना टाइम दिया एंड सारे बच्चों के लिए भी इतना टाइम निकाला। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, और यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट आपको जरूर कीजिएगा ताकि मुझे तो पता चले किसी कितने लोगों का हेल्प हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।